नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने चैनल अरिहंत क्लासेस करनाल में। दोस्तों आप सभी को पता है कल हरियाणा ग्रुप डी का रिजल्ट आया था, उसके बाद बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि अब ज्वाइनिंग कैसे होगी, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो उससे संबंधित ये वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनके पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया होगा HKCL की तरफ से, यहाँ पे देख सकते हैं ये मैसेज आया है हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में। तो इसमें सारा प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे आपको आपका जो ये प्रमाण पत्र है, प्रोविजनल नियुक्ति पत्र है, इसको कैसे डाउनलोड करना है, वो मैं अभी आपको डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा आप कैसे डाउनलोड होंगे, क्या प्रोसीजर है उसका और कहाँ पर आपको जाना है। 13 तारीख को सभी बच्चों को ताऊ देवीलाल स्टेडियम Sector 3 पंचकूला में रिपोर्ट करना है। तो चलिए मैसेज को शुरू से दिखाता हूँ क्या है इसमें। देखिए, प्रिय उम्मीदवार, SSSC द्वारा ग्रुप डी विज्ञापन संख्या 1/2023 के लिए परिणाम घोषित कर दिया गया। भाई कल सुबह रिजल्ट आ गया था। सभी चयनित उम्मीदवार मानव संसाधन विभाग के पोर्टल यानी recruitment.groupd.cshariana.gov.in पर अपनी हस्ताक्षरित अंडरटेकिंग डाउनलोड करनी है। अभी मैं उस पर लेके चलूँगा, पहले पूरा मैसेज दिखा देता हूँ क्या है। 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र व बैंक खाता या अन्य विवरण प्रदान करने के बाद ई प्रोविजनल नियुक्ति पत्र डाउनलोड करें। सभी डिटेल फिल करनी है, उसके बाद ये डाउनलोड होगा। इसके अतिरिक्त चयनित उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे ओरिएंटेशन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिनांक 13/8/2024 यानी परसों सुबह 9 बजे मल्टीपर्पज हॉल ताऊ देवीलाल स्टेडियम Sector 3 पंचकूला में रिपोर्ट करें। बस सभी को जितने ही बच्चे सिलेक्ट हुए हैं अभी 13 तारीख सुबह 9 बजे ताऊ देवीलाल स्टेडियम Sector 3 पंचकूला में जाना है। और यहाँ इसमें लिखा है जहाँ उपस्थिति अनिवार्य है, वह सभी को जरूर पहुँचना है। और इसमें इन्होंने बोला भाई अपने परिवार के सदस्य को भी लेके जा सकते हैं। और उसके बाद चयनित उम्मीदवार ई प्रोविजनल नियुक्ति पत्र में दिए निर्देशों के अनुसार, भाई जो ई प्रोविजनल नियुक्ति पत्र होगा उसके अनुसार 7 दिन के अंदर अंदर जो संबंधित मंडलायुक्त कार्यालय, जो भी आप जिस भी मंडल में पढ़ते हो, या DC पंचकूला कार्यालय में अपनी नियुक्ति जमा कर सकते हैं। भाई प्रोविजनल कार्यक्रम में जाने के अंदर जो उस पर दे रखे दिशा निर्देश, जो आपका प्रोविजनल नियुक्ति पत्र डाउनलोड होगा तो 7 दिन के अंदर रिपोर्ट करनी है आपको। इसमें देखो ये लिख रखा, उम्मीदवार के माता पिता भी इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। किसी भी तकनीकी सहायता के लिए आप कृपया ये नंबर दे रखा है, इस पर संपर्क करें, मानव संसाधन विभाग हरियाणा ये है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए इस पर लिंक पर क्लिक करोगे, जैसे ही लिंक पर क्लिक होने के बाद आप इस पोर्टल पर आओगे recruitment.groupd.cshariana पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस पोर्टल पे आने के बाद आपको यहाँ पे भरना आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये आ गया क्लिक। अभी मैं इसको दोबारा से लैंडस्केप मोड में कर लेता हूँ, क्योंकि दोबारा से इसको चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे करना पड़ेगा क्लिक एयर टू फिल डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंसेस पोस्ट, सबसे ऊपर तो ये है। उसके बाद डाउनलोड प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर कैसे होगा, देखिए जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। मैं डाल देता हूँ एक रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला आपके पास आएगा एक OTP, ये देखिए OTP आ गया। OTP डालोगे आप वेरीफाई करोगे, OTP डालने के बाद वेरीफाई होने के बाद जिस भी बच्चे का नाम होगा वहाँ आपको नाम दिखाई देगा, जैसे इस बच्चे का नाम है यहाँ पे। उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर करने हैं आप देख सकते हैं, डाउनलोड द अंडरटेकिंग, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो अंडरटेकिंग डाउनलोड हो जाएगी। उसका प्रिंट आउट निकालना है, उसको साइन करना है, फिल करना है और साइन करना है, उसके बाद उसको स्कैन और साइन करना है, अपलोड द साइंड अंडरटेकिंग प्रिस्क्राइब, जो भी इन्होंने यहाँ पे कर रखा बता रखा है इस फॉर्मेट में इसको अपलोड करना है। अब कैसे अपलोड करना है, जो आपकी फाइल बनेगी वो JPG या PNG, PDF या मैक्स फाइल या PDF में होगी, और जो फाइल का साइज है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 MB से कम होगा। उसके बाद आप चूज फाइल करोगे, जैसे आपने स्कैन कर ली तो जो भी आपके फ़ोन में होंगे वहाँ से आप चूज करोगे, उसको अपलोड कर दोगे चूज करने के बाद।
अपलोड होने के बाद आपका प्रोविजनल जो भी आपकी सारी डिटेल है, बैंक डिटेल, वो आपको अपलोड करनी है और आपका प्रोविजनल एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। प्रोविजनल जो आपका ये नियुक्ति पत्र वो मिलेगा और उसको लेके आपको 13 तारीख को पंचकूला जाना है। उसके बाद आपका संबंधित जिस भी मंडल में आप वहाँ पे अपने डीसी कार्यालय में ऑफिस में जाएंगे और वहाँ से आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। आज ही अपना ज़्यादातर बच्चे मेडिकल करा लें, मेडिकल हो रहा है। और एक और बच्चों के लिए खुशखबरी है, जिन बच्चों का अभी इसमें नंबर नहीं आया, अभी कह रहे हैं 10 से 12 हज़ार और ग्रुप डी की वैकेंसी निकलेंगी जिसका एग्ज़ाम नहीं होगा। जो ये एग्ज़ाम हुआ था स्कोर के आधार पर बच्चों को इसी में से उठाया जाएगा दोबारा से, भाई जो भी बच्चे होंगे तो जिनका नंबर नहीं आया वो निराश ना हो, तो जो अभी तो भर्ती निकलेंगे उसमें आ जाएगा नंबर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।